गुरु प्यारी साह संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। आज का टॉपिक है मान बढ़ाई जहर के समान है। प्यारी साह संगत जी, दुनिया में हर इंसान मान बढ़ाई पाना चाहता है। अगर इंसान की कहीं कोई पूछ नहीं होती, कोई पूछता नहीं है, तो फिर इंसान को अच्छा नहीं लगता है। यानी इंसान तारीफ का भूखा है कि मुझे कोई पूछे, मेरी रिस्पेक्ट हो जाए, सब लोग मेरी वाहवाही करें। तो आज ऐसी फितरत इंसानों की है, इंसान की सोच विचार ऐसी है कि मैं जहां भी जाऊं मुझे मान सम्मान मिले। लेकिन भक्ति के क्षेत्र में संत महात्मा ये बात समझाते हैं कि जो मान बढ़ाई है वो जहर के समान है। मान बढ़ाई अभिमान को जन्म देती है। मान मुनि मुनिवर गले, मान सबे को खाए, मारा गया जिसने कहा मैं बड़ा। फिर संतों ने और समझाया कि नीचे नीचे सब तेरे संत चरण लवलीन, और जाति के अभिमान ते बूढ़े सकल कुलीन। जात का गर्व मत कर मूर्ख गंवारा, इस जात से उपजे बहुत विकारा। कि अगर हम किसी ऊंचे कुल में अपने आप को मानते हैं कि मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूं, बहुत ऊंचा हूं, और दूसरों को हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, अपने आप में ही हम मस्त हैं, अपनी ही मान बढ़ाई हम पाना चाह रहे हैं, और हम किसी और को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को आदर सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो संतों ने कहा है कि हमें सबका सम्मान करना है और खुद को सबसे छोटा मानना है। मान बढ़ाई पाने की चाहत एक जहर के समान है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने कहा कि भक्त को मान सम्मान, यश और कीर्ति की कोई लालसा नहीं होती है। भक्त अपने आप को गंवा देते हैं, कभी अपने आप को गिनवाते नहीं हैं। तो ये भक्ति जो है स्वयं को मिटाने का नाम है। जीते जी ही गुरु के दर पे मर जाना ही भक्ति है। मैं मेरी का भाव मनो में न आना ही भक्ति है। कि गुरु के दरबार में मिट जाना, गुरु के चरणों में अपने आप को मिटा देना। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम बीज की बात करते हैं। जब हम खेतों में जाते हैं और जब बीजारोपण करते हैं, हम किसानों को देखते हैं, किसान हल चलाते हैं और उसके बाद फिर जब उसमें बीज डालते हैं, तो जब वो बीज मिट्टी में दफन होता है, मिट्टी में मिट जाता है, तब जाकर वो अंकुरित होता है। और जो बीज जमीन के ऊपर वैसा ही रहता है तो वो अंकुरित नहीं होता है। अंकुर तो उसी में फूटता है जो बीज जमीन में दफन हो जाता है। तो इसी प्रकार जब तक ये मैं दफन नहीं होती है, मैं मिट्टी नहीं है, तब तक इंसान के जीवन में सफलता नहीं मिलती है। जब भी जीवन में सफलता मिलती है, एक अचीवमेंट मिलता है, तो अपनी ईगो को समाप्त करने से ही मिलता है। तो हमें अपने अहंकार को मिटा देना है। जब हम परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो ये जो हमारा ईगो है, अहंकार है, वो मिट जाता है। जहां पर निरंकार है वहां पर अहंकार नहीं है, और जहां पर अहंकार रहता है तो वहां पर ये निरंकार नहीं रहता है। तो हनुमान की अवस्था, दास की अवस्था, कि हनुमान का मतलब ये होता है कि इसने अपने मान का हनन कर दिया है। जो मान बढ़ाई नहीं पाना चाहता, जो दासों का दास बन गया है, तो यही बात सदगुरु हमें समझाते हैं। सहन साहब बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी भी संपूर्ण अवतार वाणी में ये बात समझाते हैं कि मैं दासों का दास, परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करम करावन सब कुछ तेरे पास, अंगसंग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू शाहों का सहनशाह मैं दासों का दास। कि मैं दासों का दास हूं, सबका सेवक हूं। तो इस प्रकार एक भावना होती है भक्तों की कि मैं संतों की चरण धूल हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, और जो कुछ भी नहीं है फिर वो सब कुछ हो जाता है। निरंकार उसको प्रकट कर देता है। भक्ति करे पाताल में, प्रकट करे आकाश, तीन लोक में ना छुपे कबीर हरि का दास। कि जो सच्चे मन से गुरु के हवाले हो गया, सच्ची लगन से भक्ति करते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं, गमा देते हैं, दासों का दास बन जाते हैं, तो प्यारी साह संगत जी फिर सदगुरु उनको प्रकट कर देते हैं। तो आइए प्यारी साह संगत जी, हम भी अपने अभिमान को त्यागे। जब परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, जब ये इक्मिक अवस्था आ जाती है, तो हमारा अभिमान अपने आप गायब हो जाता है। दाता कृपा करे कि हम सभी अपने मन का जो सूक्ष्म अहंकार है उसको मिटाएं, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार से बचना बड़ा मुश्किल होता है। और सूक्ष्म अहंकार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानियों को भी खा लेता है। मान मुनि मुनिवर गले, मान सभी को खाए। तो हमने इस सूक्ष्म अहंकार से बचना है और सभी का रिस्पेक्ट करना है, सभी से प्यार करना है, सब में परमात्मा के दर्शन करना है और सारी मानवता का कल्याण करते हुए चले जाना है। प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।